एम्पायर सूटिंग शर्टिंग टेलरिंग एसेसरी डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम के एम आर होल सेल फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद फूल बाजार तीन खंदिल रायचूर। रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर अल वहीद टूर एंड ट्रेवल्स रायचूर टूरिज्म सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। रायचूर की शान न्यूजी शान बिरयानी हाउस एसएलवी कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड रायचूर। समा लेडीज कॉर्नर खवातीन की आराइश और ज़ेबाइश बनाओ सिंगार का सभी सामान दस्तियाब है। सना लेडीज कॉर्नर नीड्स टेलर लेडीज और जेंट्स के लिए बेहतरीन टेलरिंग शॉप। नाजरीन आदाब, A1 टीवी उर्दू रायचूर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अहम खबर यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से राशन किट्स की लॉकडाउन में कई अफराद की माशी हालत खराब हो चुकी है। बिलखसूस मजदूर तबका, बंडी में व्यापार करने वाले, रोजाना काम करके कमाने वाले, ऑटो ड्राइवर्स वगैरह बेहद परेशान है। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में घिर चुकी है। इन हालात में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने गरीब अफराद में राशन किट्स तकसीम करने का बेड़ा उठाया है। PFI की जानिब से रायचूर में पहले मरहले के तहत 500 राशन किट्स तकसीम की जाएंगी। तंजीम के ज़िला सदर मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि तंजीम अपने मुआइनीन के ताउन से अवाम की मदद कर रही है। इस मौके पर तंजीम के सेक्रेटरी आसिम सरखाजी, जीलानी अजहर, अब्दुल गफ्फार, एम ए सलीम व दीगर भी मौजूद थे। आज के मौजूदा हालात जो एक बहुत बड़ी बीमारी पूरे दुनिया में फैल लेकर है, जिसका नाम COVID-19 बोलकर, कोरोना वायरस बोलकर, ये पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता करके अपने चपेट में लेकर है। और ये हमारे रायचूर में भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो एक केस भी नहीं आया है, फिर भी है ना ये बीमारी की वजह से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लॉकडाउन पूरा कर लेकर है बीमारी नहीं फैलना बोलकर, इसके वजह से है ना पूरा एक लोकल मजदूर तबका, एक लेबर तबका है ना, बीमारी के वजह से लॉकडाउन करने की वजह से पूरा लॉकडाउन हो गया है। इसके वजह से कुछ काम बाहर काम के वास्ते नहीं निकलने की वजह से इनको एक भूखमरी के एक किनारे पर आकर पहुंच गए हैं। इनके घर में ना खाने के लिए खाना नहीं है, बाहर काम कुछ नहीं जा सकते। इसके चलते हम लोग एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रायचूर के जानिब से है ना एक फूड किट तकसीम करना बोलकर, एक राशन किट तकसीम करना बोलकर एक हम इरादा करें, जिससे हमारे एक वेलविशर और डोनर के तरफ से है ना एक अच्छा सपोर्ट मिला। इससे हमें ना तकरीबन एक 500 किट बनाने का एक अज़्म लेकर हम शुरू करें ये काम को। अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 किट के करीब है ना ऑलरेडी बांट दिए हैं और मजीद 300 किट बनाए हैं, और इंशाल्लाह हो सका तो है ना आगे भी हम फूड आइटम ऐसा बाहर से है ना जो अहले खैर हजरात है उनसे है ना एक सामान की शक्ल में मटेरियल लेकर है ना ये सब जमा करके है ना गरीब लोकल लोगों को ले जाकर तकसीम करने का इरादा करे हैं। ये पूरा हम रायचूर में है ना हर कोने कोने कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नीचे जमीनी सतह पर हम काम कर रहे हैं। आप एक अच्छे काम से है ना हम है ना पूरे गरीबों की दुआ लेना चाहते हैं, और हम अपने वेलविशर और डोनर को भी है ना हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो आप अपना है ना एक कीमती पैसा है ना हमारे को पैसे की शक्ल में अनाज की शक्ल में देकर है ना हमारे पर भरोसा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम है ना कोशिश करेंगे कि हर घर को पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इस राशन किट में है ना एक 5 kg राइस दिया गया है और 1 kg तुअर दाल और 1 kg शक्कर, चाय की पत्ती और नहाने के साबुन है, धोने के साबुन है, जीरा है, हल्दी है, ऐसा कर एक 10 से 12 दिन का एक राशन इसके अंदर हम दिए हैं। इसमें हम तकरीबन 10 एरिया में बांटे हैं और मजीद दूसरे एरियो में से भी हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पर है ना ऐसे हजरात कहाँ पर है जिनके पास खाने नहीं है, वैसा हम पूरा अकाउंट लेकर है ना ये तकसीम कर रहे हैं, सर्वे करके सर्वे पूरा सर्वे कर जमीनी सतह पर तकसीम कर रहे हैं। अच्छा।